सो गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू टुडे सेशन। एग्जैक्टली आज का सेशन है आपका पूरा KVPY के ऊपर। तो ये सेशन एग्जैक्टली पूरा पॉसिबल हो पा रहा है तमोचित की वजह से, राइट? क्योंकि उसने खुद पहले KVPY क्लियर की है एंड आज उसने स्पेशली टाइम निकाला, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम कितना क्रूशियल है। सेम आपकी लाइफ में भी ये टाइम आने वाला है, राइट? कि जब आप JEE एग्जाम के लिए वेट कर रहे होंगे, अब 2 महीने भी बाकी नहीं है। आई कैन सी लाइक लास्ट 2 वीक्स अगर मैं रिवीजन के लिए छोड़ दूं तो 1 मंथ एंड 1 वीक बाकी है। तो ये टाइम बहुत ही क्रुशियल होता है, किसी की भी धक धक धड़कन एकदम बढ़ने लगती है। बट फिर भी चलो, वो टाइम पे भी तमोजित आपने आपका टाइम निकाला एंड इनके लिए KVPY का गाइडेंस सेशन रखा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो स्टूडेंट्स आपके डाउट्स जो भी हों आप तुरंत पूछ लेना। इससे पहले जो आपने पूछे थे वो सारे डाउट मैंने यहाँ पे समराइज करे हैं। सर शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये था कि ये शायद पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आर्यन ने जो भेजे थे, 1 to 6, 1 to 6 अभिराम ने भेजे थे, तो किसी के भी हो सकते हैं पहले वाले। चलो एक एक करके जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, KVPY पैटर्न एंड हाउ टू अटेम्प्ट इट एंड हाउ लेंथ इट इज। सो तमोजित फर्स्ट क्वेश्चन। सर, 4 सब्जेक्ट होंगे KVPY के पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और चारों कंपलसरी अटेम्प्ट करना। तो अब उसमें हर एक सब्जेक्ट में पहले 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क वाले, और 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले। तो ओके सर, अब जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उसमें -0.25 नेगेटिव मार्किंग रहता है रॉन्ग आंसर के लिए, और 2 मार्क्स वाले में -0.5 रहता है नेगेटिव मार्किंग। जस्ट अ तो मिनट, मुझे अब जस्ट अ मिनट, सॉरी टू यस इंटरप्ट सर, यू, नहीं नहीं सर, आप मेरी स्पीड लिख आपके लीजिए। जितनी नहीं है। तो एक एक करके, सो 15 सर क्वेश्चंस लिखने में वन टाइम मार्क वाले। लगेगा सर, हाँ, नहीं। 15 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले, राइट? हाँ उसके सर। बाद और फाइव क्वेश्चंस सर 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क वाले। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव कितना है? सर -1, 0.25, -0.25। एंड 2 मार्क्स वालों में? -0.5, ओके, इन शॉर्ट 25% नेगेटिव हाँ मार्किंग, राइट? 25%, हाँ सर। ओके, 25% नेगेटिव। सो हियर योर नेगेटिव इज -0.25 एंड हियर -0.5। ओके, नेक्स्ट। यस सर। तो अब क्योंकि JEE में तो नॉर्मली +4 और -1 रहता है, तो वहाँ 1 देखकर नॉर्मली लगता है कि हाँ नेगेटिव ज्यादा जा रहा है, तो अटेम्प्ट नहीं करते। बट यहाँ पे भी इक्वली ही बात हुई, क्योंकि 1/4 मार्क्स जाएंगे, तो 0.25 मार्क्स देखकर ये नहीं सोचना है कि बहुत कम मार्क्स जा रहे हैं, तो थोड़ा गेस करके अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी अल्टीमेटली लॉस उतना ही होगा, इक्विवेलेंट लॉस ही होने वाला है। तो जो भी अटेम्प्ट करना है ध्यान से ही करना पड़ेगा। अब ओके, लेंथी में बाकी सब्जेक्ट्स में तो लेंथी ज्यादा होता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो उतना लेंथी नहीं होता, बट फिजिक्स तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैथ्स काफी लंबा होता है, क्योंकि मैथ्स का उनका जो सिलेबस होता है वो 11th का सिलेबस नहीं होता, 11th 12th का सिलेबस नहीं होता, क्योंकि अब तारो सब्जेक्ट है ना सर। तो अब जो सर सपोज किसी ने अगर बायोलॉजी लिया होगा 11th में और मैथ्स नहीं लिया होगा, तो ताकि वो अटेम्प्ट कर पाए मैथ्स वाला सेक्शन, इसलिए उनके लिए मैथ्स का 10th तक ही रखते हैं जो सिलेबस है। तो अब 10th वाले सिलेबस में, अब 11th में आपके जो सिलेबस होता है उसके क्वेश्चंस काफी स्पेसिफिक हो जाता है, तो अब 10th तक जो होता है उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। स्पेशली सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में ज्योमेट्री और एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इक्वेशंस दे देंगे, और एलजेब्रा में इक्वेशंस दे देंगे और फिर उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या कुछ मतलब पावर में कुछ अजीब से नंबर आ जाएंगे, फिर 3 अलग अलग इक्वेशंस देके बोलेंगे रेंज निकालो, तो उस वैसे टाइप के क्वेश्चंस करने में टाइम भी लगेगा, और मतलब कैसे करना है वो पता चलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और तो अब और ज्योमेट्री में तो सर वो फिगर बना के लिखने वाला, मतलब 9th 10th में, क्योंकि सर 11th 12th में कोई एक्चुअल ज्योमेट्री नहीं होता, जो भी होता है कोऑर्डिनेट्स में होता है या ट्रिग्नोमेट्री होता है, एक्चुअल जो ज्योमेट्री होता है वो सब 10th तक ही खत्म हो जाता है, तो वहाँ वो फिगर बना के जो दिखने वाला एंगल्स निकालना साइड्स निकालना वो सब उसी में रहेगा, तो वो काफी हाई लेवल का पूछ सकते हैं। और ज्योमेट्री में उससे ज्यादा मतलब थोड़ा बेसिक जो 11th का है उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं आता, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वो सब भी नहीं आता। और फिर उधर तो मैथ्स में ही मैक्सिमम टाइम जाता है, तो सबसे मतलब पहले जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो टाइम देना होता है वो पहले सोच लेना होता है कि मतलब उसमें सबसे कम टाइम लगना चाहिए,
तो अब पेपर में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना वो अब स्टूडेंट्स पर है कि उन्हें कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, या पहले वो लंबा वाला करना चाहते हैं पहले छोटा वाला करना चाहते हैं, तो उन पर है। बट मैथ्स में काफी टाइम जाता है, इतना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर पता है तो पता है वो तभी मार्क कर सकता है, वरना अगर नहीं पता तो सोच सोच के तो कुछ अचानक से पता नहीं चल जाएगा। तो इसलिए उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और फिजिक्स में तो सॉल्व करना होता है, तो वो नॉर्मली जितना जेई में जितना टाइम लगता है वैसे उतना टाइम लेने ही काफी रहेगा। ओके तो अब उस पैटर्न में तो सर वही होना चाहिए। और सर इस बार एक चेंज हुआ है, जो किसी ने लेवल टू के बारे में पूछा था ना सर, तो लेवल टू नॉर्मली हर साल इंटरव्यू होता है एक, बट इस साल उन्होंने लेवल टू रखा ही नहीं है, मतलब इंटरव्यू है ही नहीं। जो होगा स्टेज वन में ही होगा, स्टेज वन में ही सब खत्म हो जाएगा, फाइनल भी उसी में हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने लेवल टू अब रखा नहीं, शायद कोविड की वजह से। तो अब फर्स्ट लेवल में जनरली अब जैसे मेरा और मेरे पहले देवाशो भैया ने क्लियर किया था ना दोनों का, हमारा जो लेवल वन था दोनों 100 मार्क्स के ही होता है। रिटर्न का वेटेज ज्यादा होता है नॉर्मल केस में, इस साल तो है ही नहीं सर अलग से, तो रिटर्न का ही पूरा रिजल्ट है। तो अब जो नॉर्मल केस में रिटर्न में जो मार्क्स आता है सबके, इंटरव्यू में उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है ना इंटरव्यू से थोड़ा मार्क्स बढ़ने के स्कोप रहता है। तो जैसे मेरा रिटर्न में आया था 69.500 में से, और इंटरव्यू में मेरा 89 आया था, तो वहाँ मेरे मार्क्स बढ़ गए थे वहाँ पे, मतलब जितना भी वेटेज हो मार्क्स तो बढ़ेगा इंटरव्यू से। तो अब इस बार क्योंकि इंटरव्यू हो नहीं रहा है, तो रिटर्न में ही सबको ट्राई करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। ओके सो तमोचित कैन यू रिपीट योर मार्क्स ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू वन मोर टाइम? यस सर, रिटर्न में 69.5 out of 100, 100 एंड इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर 89 out of 100। ओके वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस तमोचित। एंड एक थैंक और यू चीज सर। मुझे पूछनी है, यस सर, ये यस जो सर। आपने बोला कि मैथ्स 10th तक होता है राइट, हाँ तो सर। ये जिन स्टूडेंट्स का डोमेन बायोलॉजी होने के लिए कि सबके लिए सेम नहीं रहता नहीं है? सर, सबके लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर रखते हैं। वो मतलब क्वेश्चन जो होता है सबके सेम ही होता है, बट क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ 10th तक का रहता है, ओके क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही रहता है सर। गॉट इट। नाउ आई थिंक प्रांजल वांट टू आस्क समथिंग। यस हाँ प्रांजल, सर। हाँ समझ में, आपने कहा कि 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन रहते, तो पहले 2 मार्क वाले अटेम्प्ट करना कि 1 मार्क वाले करके खत्म कर देना? वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अब 1 मार्क वाले करने में टाइम कम लगेगा क्योंकि इजी रहेंगे, बट 2 मार्क्स वाले करने में टाइम ज्यादा जाएगा बट मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो वो तो तुम पे डिपेंड करता है, मतलब तुम कौन सा करना चाहते हो। जैसे जेई वाले जो टेस्ट होते हैं ना उसमें इंडिविजुअल टाइप वाले रहते हैं और ये नॉर्मल एमसीक्यू वाले रहते हैं, तो उसमें तो ठीक है क्योंकि दोनों में मार्क्स सेम रहते हैं, तो अटेम्प्ट करना है तो एमसीक्यू वाला करना बेटर रहता है। इंडिविजुअल में क्या है कुछ भरोसा नहीं है, बट इसमें सारे एमसीक्यू रहते हैं। तो अब मैंने तो 1 मार्क वाले ही अटेम्प्ट किए थे स्टार्टिंग में, और सब सब्जेक्ट्स के ना 1 मार्क वाले पहले हो जाते हैं, मतलब पहले जो 60 क्वेश्चंस होंगे वो सारे 1 मार्क वाले होंगे चारों सब्जेक्ट्स के, और बाद में तुम्हें 2 मार्क्स वाले दिखेंगे स्क्रीन पे। अब तुम बीच में नेविगेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट तुम्हें दिखेंगे पहले 1 मार्क वाले सारे सब्जेक्ट्स के, फिर 2 मार्क्स वाले सारे सब्जेक्ट्स के। तो अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम 1 मार्क वाले, मतलब तुम्हें जो लगे, क्योंकि 1 मार्क वाले तुम करोगे तो हो सकता है कि 1 मार्क वाले इजी लगे, जल्दी हो जाए और 15 मार्क्स तुम्हें मिल जाए, तो तुम 2 मार्क्स वाले ले लिए और हो सकता है बस 2 ही क्वेश्चन बने और बाकी 3 बने ही नहीं, तो बस 4 मार्क्स मिलेंगे और बाकी तुम्हारे 1 मार्क वाले भी छूट जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए वो। अब तुम देखो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर करके देखो कि 1 मार्क 2 मार्क्स वाले कितने हो पा रहे हैं, कितना हो पा रहा है, तो जिसमें तुम ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो उसी का तुम अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो उसके लिए। और बायो भी 10th लेवल का ही आता है कि बायो में 11th भी पढ़ना पड़ता नहीं, बायो में वो लोग बहुत मतलब नाइंसाफी करते हैं, मैथ्स का वो लोग 10th तक रहते हैं बट बायो वो लोग 12th तक का पूछ लेते हैं। तो अब वो तो वो क्या किस लिए उनका ये एम क्या है मुझे नहीं पता, बट बायो वो लोग 12th तक का पूछ लेते हैं। तो अब एक्चुअली बायो के लिए ना पहले मतलब और थोड़ा पहले से स्टार्ट करते तो बेटर रहता, बट ठीक है अभी टाइम है, 1 महीना तो टाइम है, तो उसमें देखो कितना कर पा रहे हो। तो ये 11th वाले चैप्टर मैंने सर को भेजे थे जो स्टार्टिंग में, 11th में एक्चुअली मैंने जो किया था, मैंने सेल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल कर ही दिया था, और मतलब 6 वो किए थे, बट उसके साथ 11th में स्टार्ट एनसीईआरटी देखा है किसी ने बायो का 11th का? नहीं, कुछ देखा ही नहीं है बायो का हमने। अच्छा मैं केवीपीवाई का प्रीवियस ईयर देख रहा था, तो 10th में क्या हुआ, राजेश सर ने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, तो लाइक मेरे को याद आ रहा था कि ये सर ने पढ़ाया हाँ, था। वो 10th 9th 10th का तो पूरा याद रहना ही चाहिए।
अच्छा, टेंथ में स्कूल में किसने पढ़ाया था, सोमशेखर सर ने कि और नहीं एक नहीं हमें तो चंद्रशेखर सर थे, किसी भी मेरे सेक्शन को में नहीं पढ़ाया था? सोमशेखर सर, नहीं मेरे को सोमशेखर सर ने पढ़ाया। हाँ, जिसको पढ़ाया था ना वो अपने नोट्स बाकी दोस्तों को दे देना, क्योंकि मैंने जो टेंथ का, क्योंकि देखो अब ये इसमें मैंने जो चैप्टर लिखा है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, वो दोनों टेंथ में भी रहते हैं। टेंथ में रेस्पिरेशन हाँ रहता है मतलब वो ना, जो लास्ट के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर है वो राजेश सर ने भी काफी ये यहाँ एडवांस तक पढ़ाया था, तो उसके क्वेश्चन बन जा रहे थे प्रीवियस ईयर में, हाँ थ्री चैप्टर्स के थोड़ा दिक्कत है। हाँ तो जो टेंथ में एक चैप्टर होगा ना, लाइफ प्रोसेसेस करके, हाँ, हाँ तो उसका जो नोट्स है सोमशेखर सर ने जो दिया होगा वो किसी एक सेक्शन में तो दिया होगा ना, तो वो सब बाकी सब को दे दो, वहां से पढ़ लेना लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से। और तो उसमें मैक्सिमम कवर हो जाते हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है 11th में, तो उसमें डाइजेशन रहता है और लोकोमोशन मतलब मसल मूवमेंट और नर्वस सिस्टम और भी कुछ कुछ रहता है, मुझे याद नहीं है सारे, बट उसमें ह्यूमन ह्यूमंस का जितना भी है वो उसमें कवर हो जाता है लाइफ प्रोसेसेस में जो भी होगा 10th का। तो उसके सोमशेखर सर के नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, और क्योंकि वो बोर्ड्स में तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, सब कुछ नया नहीं रहेगा, तो इसलिए वहां से एक बार देख लेना। ठीक हाँ है, जी, ओके ओके ओके। तो अभी और नेक्स्ट, हाँ यस, हाँ सर, वो बायो का सिलेबस और भी है, तो ओके, बायो का सिलेबस और भी है। हाँ सर, ये तो मेन 6 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए बताया था। फिर उसके बाद 11th के एनसीईआरटी में जो फर्स्ट कुछ यूनिट्स हैं वो क्लासिफिकेशन में है, तो वो क्लासिफिकेशन में जो 9th का पोर्शन है ना, 9th में क्लासिफिकेशन याद है तुम लोगों को, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा हाँ हाँ होगा। वही किंगडम फाइलम वो वाला हाँ हाँ ना। हाँ तो 9th में जितना है उतना ही याद रखो क्लासिफिकेशन का, और मतलब जितना हो सके, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा था। 11th का क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और थैंकफुली आया नहीं था, तो वो अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर किया था, तो उसके बाद मैंने देखा कि स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी का कुछ आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद फिर तो ये सेल वाले आते हैं, सेल वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तीनों, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो वो तो करने ही अच्छे से। फिर उसके बाद प्लांट्स का जो है प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसमें पहले रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन कॉमन होता है, मतलब जो ये बन रहा है ना ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड पर, वो सब तो वो तो सबके लिए कॉमन, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कॉमन होता है, तो उससे पूछने के चांसेस ज्यादा आएंगे। फिर फोटोसिंथेसिस, और इसमें बहुत सारे साइकिल्स होंगे, कैल्विन साइकिल और क्रेब साइकिल, बहुत कुछ होगा, तो उसमें हर एक स्टेप में क्या हो रहा है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल कितने स्टेप्स हैं या कितने कार्बन इधर उधर हो रहे हैं वो सब याद रखो तो बेटर होगा। तो हाँ, तो इतना। और फिर कुछ ऑर्गन्स के नाम होंगे, ऑर्गन्स के नाम मैक्सिमम पता ही होंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है वो अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा फिलहाल, तो क्योंकि अभी टाइम कम है ना, बाकी और भी बहुत कुछ पढ़ना होगा। और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो जो डाइजेशन वाला चैप्टर है, और मैक्सिमम सारे चैप्टर्स में ही ना बस ऑर्गन्स और उनके फंक्शन ही होते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है मैक्सिमम चैप्टर्स में, तो उसमें भी जितना हो सके ऑर्गन्स और उनके फंक्शन ही याद रखो। और लास्ट में एक चैप्टर होगा हॉर्मोन्स और उन सब पे, तो वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। भैया जैसे जेई में होता है ना कि कुछ इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए उसके बाद ही कर सकते हो, तो ऐसा बायो के लिए कुछ है क्या केपीपी में? नहीं, अलग से सब्जेक्ट वाइज वेटेज नहीं है कुछ, मतलब नहीं भी आएगा तो चलेगा, बट ट्राई करो आने का, क्योंकि बायो का काफी वेटेज रहता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और बाकी सब में सब कुछ आ जाएगा, उतना गारंटी तो नहीं ले सकते ना कुछ किसी का भी। तो अब लास्ट वाला जो चैप्टर है वो छोड़ सकते हो। फिर 12th में, 12th में 3 चैप्टर है, वो जेनेटिक्स पर है, तो पहला जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें से पहले 10 साल तक क्वेश्चन आया था, तो वो मैं बहुत अच्छे से करके गया था, बट जब मैं देने गया वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसका, तो अब वो तो उनपे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या देना चाहते हैं। तो वहाँ पे 3 चैप्टर है, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन, तो ये 3 चैप्टर अगर हो सके तो कर लो, क्योंकि इसमें काफी कुछ याद रखने वाला है और समझने वाला भी है इसमें, तो इसमें
और जेनेटिक्स का सर, जेनेटिक्स के जो 3 चैप्टर होंगे वो यूनिट ही होगा इसका, तो वो 3 चैप्टर जितना हो सके कर लो, और उसमें से भी क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने पहले 2 किए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो दोनों मैं अच्छे से करके गया था। और उसके बाद आया क्वेश्चन एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आए थे और मुझे वो आए नहीं, तो अब वो तो उनकी मर्जी है, वो कहाँ से देंगे, कहीं से भी उठा के दे सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकते, जितना हो सके करके जाओ। और बाकी 12th में बाद वाले चैप्टर्स जो होते हैं उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट और उन सब पे ज्यादा फोकस आ जाता है 12th के बायो वाले चैप्टर्स में। मैक्सिमम जो बायो का इम्पोर्टेंट ये होता है वो 11th में हो जाता है, वो हाँ सर, वो इकोलॉजी है वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है उसमें, तो उसमें से मैं देखा भी नहीं अभी 10 साल, और 10 साल तो मैंने खुद ही दिया था, तो 11 साल में कुछ आया नहीं उसका, तो और उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं, मतलब कौन सा पॉल्यूशन और वो सब मैक्सिमम उस पे फोकस आ जाता है, तो वो करने की जरूरत नहीं। और तो बायो में तो इतना ही काफी रहेगा, बट चैप्टर वाइज याद रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ याद कर लिया और उसके बाद सब भूल गए या फिर कुछ मिक्स हो गया है, कि क्योंकि वो लोग काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन से एंजाइम का क्या फंक्शन होता है या कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो वो सब कंफ्यूज हो गया फिर, तो मतलब मेरे कॉन्फिडेंस के गलत आंसर मार्क करके आ गया, नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बायो का सिलेबस इतना ही है। ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फिर। यस, तो मुझे दिस वाज क्वेश्चन फॉर यू कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर केवीपीवाई। हाँ सर, तो अब इनका मैथ्स का ही बस 10th तक का रहता है, तो बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है वो थोड़ा बहुत 12th का भी पूछ लेता है, मतलब 11th वाले पेपर में ही 12th का थोड़ा बहुत आ जाता है, तो फिजिक्स में 12th में से ऑलमोस्ट जो भी है वो सब कुछ पूछ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तीनों पूछ लेते हैं फिजिक्स में से। और केमिस्ट्री में वो लोग ऑर्गेनिक का पूछेंगे मैक्सिमम, इनऑर्गेनिक नहीं पूछते वो लोग। हाँ सर, और केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक का पूछेंगे, अगर पूछ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक का पूछेंगे, फिजिकल पूछ सकते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं पूछते सर, इनऑर्गेनिक नहीं पूछ, अब तक तो नहीं पूछा, अचानक से कुछ आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, बट जनरली नहीं पूछते। तो अब इसमें फिजिक्स का जो है अभी तो ये सब कर नहीं सकते ना, अभी ये तो 9 महीने का काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सब तो काफी महीनों से हम लोग कर बहुत रहे हैं। बड़ा और है। हाँ, और मैं अलग से पढ़ रहा था, मतलब विष्णु सर सेशन से मुझे पढ़ा रहे थे ये सब, हाँ तो वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ रहा था, अभी 1 महीने पहले आकर मैं नहीं पढ़ रहा था, तो वो सब मैंने पहले ही पढ़ लिया था, क्योंकि तो केवीपीआई में ये सब आता है जनरली, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम इन सब में ना फॉर्मूला याद रख लो, तो फॉर्मूला याद रखने से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, बट फॉर्मूला याद रखने के लिए समझना भी हाँ हाँ, वो सब ये सब फॉर्मूला बेसिक पे आते ही होगा ना, फोर्स और उन सब का, वो लोग बहुत डिटेल में वो सब नहीं पूछते, मतलब इसका फील निकालो या स्फीयर का फील, और वो सब मतलब बेसिक जो है उतना ही है, वो मतलब अजीब अजीब से शेप्स देके उसका फील निकालो, या ये मैग्नेटिक डाइपोल है उन दोनों का कुछ निकालो, वो सब नहीं पूछेंगे, सिंपल वाले ही पूछेंगे, बट वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो अब बेसिक एक बार पढ़ लोगे तो फॉर्मूला मैक्सिमम याद रह जाने चाहिए, बट अगर नहीं भी रहते तो जो इम्पोर्टेंट वाला है वो चैप्टर पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा, कि कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और कौन सा मतलब थोड़ा एडवांस है वो छोड़ सकते हैं तो चलेगा, तो जो इम्पोर्टेंट वाला है वो याद रखते हैं ना। ऑप्टिक्स का तो जितना है, ऑप्टिक्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो जितना 10th में रहता है ना, वो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और 2-3 रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, उतना ही है, और उससे ज्यादा ऑप्टिक्स में कुछ रहता नहीं है, 12th में भी नहीं रहेगा पूरे 12th में, तो उसमें। और तो मैग्नेटिज्म का भी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना हो सकता है फॉर्मूला याद रख लो, उससे हो जाएगा। और फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसे भी याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने याद ही नहीं किया था, मुझे तब 12th का याद नहीं हुआ था, मैं जब देने गया था तब मुझे याद नहीं हुए थे सारे रिएक्शंस, तो जितना 11th का था उतना मैंने अच्छे से किया था, तो उससे जितने क्वेश्चंस आए थे उस मतलब 60% क्वेश्चंस उससे हो गए थे 11th वाले से, तो उससे 60% होपफुली हो जाने चाहिए, और बाकी 12th का जो एक्स्ट्रा होगा वो छोड़ सकते हैं, मतलब अगर आप कुछ देखते आइडिया लग रहा है तो अच्छा है, बट रिएक्शन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन करना नहीं हो ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता अगर रिएक्शन नहीं पता है तो। और फिजिकल में भी फॉर्मूला याद रख लो, उससे हो जाएगा, फिजिकल में वो ज्यादा कुछ भी नहीं पूछते, बहुत बेसिक पूछते हैं, तो उसमें भी फॉर्मूला याद रख लो, 3 ही चैप्टर आएंगे, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
और एक केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ ये दोनों ही मेनली आते हैं, इससे ज्यादा वो और बाकी और तीन चैप्टर हैं फिजिकल के, वो दोनों नहीं पूछते। तो इसमें ये दोनों चैप्टर के फॉर्मूला याद रख लो मेनली, तो उससे ही हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो ये सब मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मेरे पास टाइम था करने के लिए, बट तुम लोगों के पास तो अभी 1 महीना है, उसमें काफी कुछ करना है। तो मैक्सिमम चैप्टर्स के फॉर्मूला याद रख लो, बट फॉर्मूला भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा दिया, कौन से किस में लगाना है, वो सब याद रखना जरूरी है। और बायो में भी जो चैप्टर्स है, जो जितना याद रख लो वो सही से याद रहना चाहिए। किसी नाम को या फॉर्मूला को इधर उधर कर दिया, फिर कहीं गलत जगह लगा के आ गए, और वो उन लोगों को पता रहता है ना स्टूडेंट्स कैसी गलतियां करते हैं, वो लोग सब ऑप्शंस में सब देंगे कि जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, वो कुछ रहेगा फॉर्मूला में, और सब भूल के आ जाएंगे। फिर वो लोग वैसे ऑप्शन रखेंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ उल्टा सीधा मार्क करके आए, तो वहाँ गलती होने के काफी चांसेस होते हैं, वो जेई में भी होता है, वो सब एग्जाम्स का वैसे ही रहते हैं। तो उसमें वो मतलब वैसे अवॉइड करना है कि अगर याद नहीं है ठीक से तो बाद में बाद के लिए छोड़ दो, कि अगर याद आ जाए या फिर थोड़ा बैठ के ध्यान लगाएंगे तो याद आ जाएगा फॉर्मूला, तो वो बाद के लिए छोड़ दो, वो तभी बैठ के याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम लिमिट होता है। तो क्योंकि केवीपीवाई में ना क्वेश्चंस जो होंगे वो जेई से ज्यादा होते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क वाले और 20 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स वाले, तो टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए, जबकि जेई में 75 क्वेश्चंस होते हैं। यह टाइम कितना रहता है टोटल? टाइम तो 3 आवर्स ही रहेगा, 3 आवर्स3 आवर्स में तो 80 क्वेश्चंस होंगे, और जेई में आदत, तुम लोग कौन सा देते हो, 360 वाला देते हो कि 300 वाला देते हो एमपी? 360 वाला ज्यादा दिया हम लोग, 300 वाला एक दो एग्जाम ही आया अभी तक एमटी का। हाँ अभी थ्री हम एट लोग के एमटी में एडवांटेज, 360 वाले ज्यादा हैं, तो मुझे इनके थ्री हाँ हंड्रेड सर, वाले अभी इंक्रीज होंगे। इनके जो स्टार्टिंग वाले एम टी दिए हैं ना, MT 1, MT 2, MT 3, हाँ सर, ये सब में ये 360 मार्क्स वाले अच्छा ज्यादा फिर तो ठीक है, फिर उसमें तो 90 क्वेश्चंस में फिर ज्यादा क्वेश्चन करके आदत होगा। और थे। केवीपीवाई के स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहता है, तो वो ध्यान में रखना कि उसका यूज करना है, वरना खुद से कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी गलत हो सकता है, तो स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहता है वो याद रखना। और अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ आता हूँ, मुझे डोंट वरी, हाँ मैं सर, अवेलेबल ऑन स्क्रीन। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले 11th वाला स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, 11th वाला जितना हाँ पढ़ा सर, वो 11th वाला स्ट्रांग होना चाहिए, हो जाए 11th वाला तो पहले। इनका एमटी दे देकर आदत हो गया होगा ना, मतलब होपफुली हाँ याद रहेगा, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सब तो अच्छा कर रहे हैं, एमटी में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो इनका वो काफी हाँ सर, कमेंट होगा, तो वो आप अच्छे से करना स्टूडेंट्स पहले। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज समझो कि एनी ट्रिक्स ड्यूरिंग एग्जाम टाइम फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई ट्रिक? कि एक तो आपने बताया कि जैसे वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को लेंथी पहले करना है तो मैथ्स पहले कर सकते हैं, या पहले केमिस्ट्री बायो पकड़ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बायो में सिर्फ विन या लूज यही कंडीशन है, आता है तो करो नहीं आता है तो मत करो, सोचना कुछ नहीं हाँ है। फिजिक्स हाँ सर। और केमिस्ट्री में ना जैसे अभी जेई का अगर एमटी देता है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में बहुत अजीब अजीब से कैलकुलेशन होते हैं, तो वो करने में टाइम चला जाता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जब कैलकुलेशन लंबा होता है तो टाइम उसमें लगता है कैलकुलेशन में। तो अब वो कंडीशन केवीपीवाई में नहीं आता, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा, तो जो भी आंसर आना होगा वो जल्द ही आ जाएगा, उसमें मतलब टाइम लगने की बात नहीं है केमिस्ट्री में। और बायो का तो सर पूरा थियोरी है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, तो अब उन दोनों में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मैंने अलग अलग से टाइम देखा नहीं था मुझे किस में कितना टाइम लगा था, बट मैंने बॉटम में ही किया था, मैंने जैसे मेरे पेपर में मेरे मैथ्स सबसे पहले आया था, तो मैंने मैथ्स का अटेम्प्ट किया था उसमें। अब क्योंकि टाइम अगर वैसे डिवाइड करना है तो बायो में तो 15 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, पूरा बायो का पेपर मतलब सारे वो 1 मार्क 2 मार्क मिलाकर बायो में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि और केमिस्ट्री में मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में हो जाना चाहिए केमिस्ट्री। फिर और फिजिक्स और मैथ्स में फिर बाकी टाइम दे सकता है, मैथ्स में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, मुझे जहां तक लग रहा है मैथ्स में 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। और 1 घंटे से ज्यादा मतलब ऐसा है कि 1.5 घंटा लग गया, उतना भी नहीं, मतलब 70 75 मिनट्स लग सकते हैं। तो अब उतना देने के बाद फिर फिजिक्स में 1 आवर या 40 मिनट्स कितना टाइम बचेगा, फिर 15 मिनट्स और 25 मिनट्स में 40 मिनट्स, और 70 मिनट्स मतलब 110 मिनट्स, और 180 मिनट्स 3 घंटे। हाँ तो फिजिक्स में अराउंड 45 मिनट्स दे दो, बाकी टाइम में रिविजन कर सकते हैं। हाँ तो इतने में होपफुली अगर हो जाता है तो अच्छा है, बट
नहीं होता तो मैथ्स में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि 70 to 75 minutes, क्योंकि क्वेश्चंस तो 20 questions ही होते हैं, तो अगर एक एक क्वेश्चन का मैं 3-4 मिनट भी मान लूँ तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और बाकी केमिस्ट्री बायो तो काफी छोटे में ही हो जाता है, तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद हाँ, तो उतने में हो जाना चाहिए, और बाकी जो टाइम बचेगा वो टाइम रिविजन या जो क्वेश्चन छूट गए, अब वो क्वेश्चन कितने छूटे हैं उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें टाइम कितना लग रहा है। अब जैसे मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए थे, तो उसमें फिर बाद में मेरे मैथ्स में जैसे 5 क्वेश्चन अराउंड छूटे थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में दो 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 तीन क्वेश्चन छूटे थे, और बायो में जो नहीं एक बार छूट गया वो बाद में देखते तो कुछ आएगा नहीं, तो बायो का छोड़ दो, जो भी है वो कुछ होगा नहीं देख के वापस, तो मतलब देख सकते हो अगर टाइम है तो, अगर कुछ याद आ रहा है कुछ मतलब एक एलिमिनेशन से कुछ करना है वो सब तो वो देख सकते हो बाद में, बट डायरेक्टली मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबको ही देना है। तो मैथ्स और फिजिक्स में अगर कुछ क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं तो सेक्शन तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट पहले खत्म हो जाना चाहिए, ताकि बाद में क्वेश्चन वो रिवाइज करने के लिए टाइम ज्यादा रहे। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज तुम्हारे मैथ्स में अराउंड 10 क्वेश्चन छूट गए और फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो तब तुम्हारा जल्दी सेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अटेम्प्ट कम क्वेश्चन करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके बाद तुम्हें रिविजन करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि हाँ, तो जब तुम वापस रिवाइज कर रहे हो या सेकेंड अटेम्प्ट में वापस कर रहे हो क्वेश्चन, तो उसके लिए ज्यादा टाइम बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम क्वेश्चन थे या और बहुत लंबा टाइम लेके बैठे रहे, बाद में फिर देखने का टाइम ही नहीं मिला, वो नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद रिविजन में ध्यान रखो कि अगर एक क्वेश्चन ना बहुत देर तक देखकर भी नहीं बन रहा है, बहुत देर इन द सेंस जैसे 5-6 मिनट तक देखा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो वैसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, वो सब करके फिर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि जितना कर रहे हो उतना सही से होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो वो तो दिख के आएगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा देखो तो एक्स्ट्रा कुछ होगा नहीं, तो जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही से होना चाहिए। तो अब पहले जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने दो क्वेश्चन कर लिए वो तो हो जाते हैं, और बाद में मैं वापस एक बार देखता हूँ, अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं आते वो क्वेश्चन तो मैक्सिमम 3 बार देखता हूँ कि वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। तो अब वो थर्ड अटेम्प्ट तक भी अगर मुझे नहीं आया तो उनपे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं बाकी के क्वेश्चन वेरीफाई करता हूँ कि जो मैंने किया उतना एटलीस्ट करेक्ट होना चाहिए। तो वो तो सर भी बोलते हैं सम विल सम वोंट सम वेटिंग फॉर यू, तो जो सम वोंट है वो तो होंगे नहीं ना, वो वैसे क्वेश्चंस हर टेस्ट में रहती हैं, तो वो ध्यान रखना कि उनपे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे कि तुम लोगों को पता चल रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, बट वो काफी टाइम ले रहे हैं। तो जैसे अगर एक एग्जांपल ले लो, मैथ्स में सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का उन्होंने मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा मैं नहीं बोला, बट अगर मैथ्स में सपोज एक ट्रायंगल दिया, उन्होंने ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अब कोऑर्डिनेट्स देने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि उसका ऑर्थो सेंटर निकालो, तो अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अब तुम्हें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स है तो तुम वो टैन वाला फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें एंगल्स पता नहीं होंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, नहीं सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन निकालना पड़ेगा, फिर वैसे दो साइड्स के निकालने पड़ेंगे, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये सब काफी टाइम लेने वाला है, बट आसान है, हो जाने वाला है। तो ये सब क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में मत करो, पहले अटेम्प्ट में देखो कि अगर छोटे क्वेश्चंस है पर जल्दी बन रहे हैं तो वो पहले कर लो, क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली सेम ही है, तुम लंबा क्वेश्चन करोगे तो भी 1 मार्क मिलेगा या 2 मार्क्स मिलेंगे, तुम छोटा क्वेश्चन करोगे तो भी 1 या 2 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसलिए जो लंबे क्वेश्चंस है वो तुम सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ के रखो, और उन्हें मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन रहेगा, मतलब जैसे अवंती के टेस्ट में रहता है मार्क फॉर रिव्यू एक ऑप्शन रहता है ना, वो तुम करके रखो कि हाँ ये मुझे आता है बट बहुत टाइम लेने वाला है तो ये बाद में देखना है, तो वो सब क्वेश्चन मार्क करके रखना कि वो बाद में करेंगे, और जो क्वेश्चन एक बार में हो जाते हैं जल्दी से वो पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि सेम ही मार्क्स मिलने वाले। तो यही स्ट्रैटेजी, इससे ज्यादा तो बाकी अब तुम लोगों पर है कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कितना टाइम बच रहा है बाद में, वो सब तो स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। और भैया इसका टॉप कुछ रहता है क्या, कितना जाता है ऐसा कुछ जनरली कितना क्या कट ऑफ? कट ऑफ कट ऑफ? अच्छा हाँ देखो, कट ऑफ देखो लास्ट ईयर तक क्या होता था, सेकेंड राउंड होता था ना, तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए उनका कट ऑफ अराउंड 50 to 55 marks रहता है 100 में से। अब 50 to 55 marks 100 में से वो कट ऑफ रहता है सेकेंड राउंड में जाने के लिए, बट इस साल तो सेकेंड राउंड हो नहीं रहा है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट राउंड के मार्क्स के हिसाब से रैंक दे देंगे। अब रैंक में अगर अच्छा रैंक लाना है तो
अब मेरा 69 और 89 मिलाकर मेरा रैंक 49 आया था। अब उसके बाद फिर अब इंटरव्यू का वेटेज रहता है 25%, रिटर्न का वेटेज रहता है 75%। नहीं नहीं सर, रिटर्न का 75% है, इंटरव्यू का 25। हाँ सर, तो अब उसके बाद सब मिलाकर मेरा रैंक 49 आया था, बट इस साल अगर सिर्फ रिटर्न के हिसाब से वो लोग करेंगे तो रैंक अंडर 100 लाने के लिए 65 के ऊपर तो आना ही चाहिए। वो क्वेश्चन पेपर पे भी काफी डिपेंड करता है, इजी दे रहे हैं डिफिकल्ट दे रहे हैं। अब 65+ तो आना ही चाहिए रैंक 100 के अंदर आने के लिए, 100 या 200 के अंदर आने के लिए 65 आना ही चाहिए मिनिमम मार्क्स। तो उसके बाद हाँ अंडर 200 के लिए, तो आप अगर IISc में जाना है किसी को तो उसके लिए रैंक 200 के अंदर आना ही पड़ेगा। और This is your BSc program, correct? Yes, sir. Yes. तो उसके लिए रैंक उन्हें 200 के अंदर आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए रैंक 65, सॉरी मार्क 65 के ऊपर आना चाहिए। बट ये नॉर्मल हर मतलब हर साल जैसे पेपर बनता है उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। अब अचानक से अगर बहुत इजी पेपर आ गया या बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया वो तो कुछ कर नहीं सकते, उसका फिर कट ऑफ भी या फिर रैंक्स भी नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, वो डिपेंड करता है पेपर पे कैसे पेपर आ रहे हैं। बट वैसे तुम लोग का मार्क्स भी फिर अच्छा ही होगा ना, अगर इजी पेपर होगा तो मार्क्स अच्छे होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो मार्क्स सबके खराब होंगे, वो वैसे ही वेरी करता है। तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लो कि कैसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, और उसमें 65 के अराउंड मार्क्स आने से 200 के नीचे, 65 के ऊपर मार्क्स आने से 200 के नीचे आ जाना चाहिए। तो अब उतना हाँ, तो 65 लाने के लिए अब ऐसा नहीं कि 65 है मतलब बायो के जो 25 मार्क्स है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में सब अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सब, क्योंकि हर एक में 25 मार्क्स ही आते हैं। तो बायो में से मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं काफी टाइम। जैसे मैंने जब मेरा 2019 का पेपर था ना, तो उससे पहले जब मैंने 2018 का पेपर अटेम्प्ट किया था तो मेरे बायो में ही मैक्सिमम मार्क्स आए थे, मुझे 25 में से 24 मार्क्स आ रहे थे बायो में। और तो उसमें अगर तुम अच्छे से पढ़ लो बायो तो उसमें काफी मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो थियरी बेस्ड होता है, तो वहाँ पे गलत जैसे सॉल्व करते टाइम कुछ गलती हो गई और गलत आंसर आ गया, वो चांस बायो में नहीं रहेगा, तो वहां से मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं। और बायो स्टूडेंट्स को तो और भी एडवांटेज हो जाता है, तो इसलिए बायो नेग्लेक्ट नहीं करना है कि 65 है तो 25 मार्क्स हम छोड़ सकते हैं, वैसा नहीं करना है। और हाँ तो इतना ही है, मतलब रैंक और इन सब के लिए तो वैसे ही है, अब वो डिपेंड करता है मेनली क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छे से समझा था मुझे, इवन सारे अटेम्प्ट के बारे में भी और वो सारी चीजें भी, राइट स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीजें तो आपका क्लियर होंगी, एमटी में भी आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी बता दिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायो इन KVBY, एम आई करेक्ट? ये तो हो गया है, yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पूरा बायो का आपको सारे गाइडेंस मिल गए हैं। देन ओके, हिज एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द एग्जाम, आई थिंक वो भी आ गया, राइट? तो तमोजित, आप तो शायद लेवल 1 के लिए भी वहीं पे गए थे ना देने के लिए? लेवल 1 हुबली में हुआ था। ओके, लेवल 1 हुबली में, लेवल 2 इधर। आप लोगों का कहाँ पे लेवल 1 के लिए, आपको हुबली जाना है कि घर बैठे समथिंग? सर उसका सेंटर अभी जनवरी सेकंड वीक में पता चलेगा, अभी तक पता नहीं चला। गॉट इट। सर हम लोग ने 4 सेंटर भरे, उसमें से कोई सा एक आएगा। प्रेफरेंस वाइज देना है आपको। आपने कौन कौन से प्रेफरेंसेस भरे थे सेंटर्स? प्रेफरेंस वाइज देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने तो बैंगलोर दिया है, सेकंड भी बैंगलोर। ओके हाँ सर, वो प्रेफरेंस होता है, तो मैक्सिमम हम सबका हुबली में ही था, मनोज ने बैंगलोर दिया था तो उसका वहां पे था सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू नो, राइट? तो आई थिंक और कोई एक्सपीरियंस तो नहीं, हिज एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एग्जाम, तो वो तो क्या, या फिर एग्जाम सेंटर के बारे में अगर कुछ पूछना है तो मुझे उतना याद नहीं है, बट जितना याद है वो एग्जाम सेंटर। एंड ये रफ शीट हमें लेके जाना रहता है, वो नहीं, नहीं, रफ शीट वो लोग देते हैं, वो सब जेईई जैसा ही होता है, रफ शीट वो लोग देंगे और अंदर कुछ लेके नहीं जाना है, बस एडमिट कार्ड लेके जाना है। और पेन लेके जाना था कि नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट और वो लोग पानी लेकर नहीं जाने देते, तो वो ध्यान रखना, तो मतलब अगर पानी पीना हो तो पहले ही पी लेना, क्योंकि बाद में अगर एग्जाम देते टाइम उठ के जाओगे तो वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो लोग भी पानी नहीं देते, मतलब एक तो लेने नहीं जाने देते। हाँ हाँ सर, मतलब वो
आके नहीं देंगे, अगर लेना है तो वो फिल्टर बाहर नहीं रखा होगा आसपास, वहां से अभी जाके तो सर अप्लाई वहां पानी पीना भी रिस्क है, पानी पिएगा। हाँ वो भी है सर, इस साल तो वो भी तो अब पानी पीना तो बाहर से मतलब, और एग्जाम शुरू होने से पहले अराउंड उससे 45 मिनट्स अच्छा 3 घंटा तक, प्यासा रह जाएंगे हाँ वो चलते तो आते। है, और एग्जाम से पहले ना 45 मिनट्स पहले रूम में अंदर भेज देता है, तो वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है 45 मिनट्स तक, तो टाइमर चलता रहता है। हाँ दही में जैसा हुआ था ना, वो लोग बोल रहे थे हाँ उसमें, सेम ऐसा ही हुआ था सेम। हाँ तो वो कंप्यूटर में टाइमर चलता रहता है, तो उसके सामने बैठे रहना पड़ता है 45 मिनट्स तक। तो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट लेट जाओगे तो फिर अपने रिस्क पे है, क्या करेंगे। तो जैसे तो प्रशांत ने बोला था मुझे, तुम सीनियर्स के साथ हाँ सर, इंटरव्यू सेशन रख रहे थे तब, कि हाँ सर, आप वो 45 मिनट्स बैठते हो, वो टाइम पे प्रशांत ने सजेशन दिया था कि आप सारी फॉर्मूला लिख दो वहां पे रफ शीट्स में, क्या ये लोग हाँ हाँ एक्सेप्ट? वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो अच्छा ही है, रफ क्योंकि शीट्स। अभी फॉर्मूला भी बहुत सारे होंगे ना, फिजिक्स और हाँ केमिस्ट्री, जो 12th का अगर थोड़ा बहुत याद करके जाओगे तो वो सब लिख के रखो, तो अच्छा आइडिया है। हाँ एंड क्या वो लोग दूसरी रफ शीट देंगे कि रफ शीट लेने? हाँ सर, वो मांगने से दे देते हैं, बट अगर नहीं सुनेंगे तो जैसे वो लोग बोल रहे थे, तो थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हाँ कि नहीं दे रहे तो बैठे रहेगी, कब आएंगे इस तरफ, तब हम हाँ मांगेंगे। यस। तो तो उसमें वो रफ फॉर्मूला हम एग्जाम के पहले से लिख के रख सकते हैं क्या, मतलब यूज कर सकते हैं उसे एग्जाम टाइम में? शीट देंगे ना तो उसमें लिख के रखो, क्योंकि अच्छा वो अच्छा रफ शीट तो वो हाँ लोग ही दे रहे हैं, और उसमें तो ऐसा नहीं कि पहले से हाँ कुछ लिखा हुआ है तो तुम लिखने जा रहे हो, तो हाँ हाँ अब हाँ तो तो फॉर्मूला वो टाइम लिख रहे हो तो तुम में। खुद से ही लिख रहे हो ना, तो वो लिख के रखो, वो अच्छा आइडिया है। हाँ अच्छा ओके 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 ओके। तो ये था एक्सपीरियंस राइट। एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आप किसी को पूछना हो तो अभिराम, आर्यन, उवेश, प्रांजल। सर, अगर एग्जाम में वो ऑर्डर सिस्टम कुछ और दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैथ से शुरू किया और मुझे केमिस्ट्री से शुरू करना है, तो मैं स्किप करके वापस तो आ सकता हूँ ना, क्योंकि बाहर का हाँ सिस्टम हाँ उतना आइडिया नहीं रहता हाँ वो स्किप करके मतलब वो सेक्शंस रहेंगे साइड में, तो जैसे अवंती के लिस्ट में रहता है तो वैसे सेक्शंस रहेंगे, वहां पे तुम क्लिक कर सकते हो, जो सेक्शन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, वो पूरा तुम पे है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेक्शन कहाँ अटेम्प्ट करना है, वो सब तुम्हारी मर्जी है। और है। जैसे ठीक है अवंती में बिल्कुल। मैथ फॉर रिव्यू और वो सब बटन्स हाँ रहते हैं, और स्केप या वो सब जो जो भी रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब सेम पैटर्न में रहता है, थोड़ा वो सर्कल स्क्वायर और वो कलर वगैरह चेंज होता है, बट पैटर्न सेम ही रहता है। तुम कोई भी सेक्शन में जाके लिख सकते हो, कोई भी मैथ फॉर रिव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हो, और ठीक है कैलकुलेटर ऊपर बिल्कुल। रहेगा, ऊपर राइट कॉर्नर में, वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग कैलकुलेटर दे देते हैं ना, तो मतलब वो साइंटिफिक कैलकुलेटर देंगे हाँ कि हाँ वो नॉर्मल हाँ वाला? साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइन कॉस लॉग सब रहता है उसमें, ई टू द पावर सब रहता है। ओके अब ये कैलकुलेटर से एक और क्वेश्चन आया था मुझे, कि हाँ सर, जैसे हमारे गेट में जो ऑनलाइन कैलकुलेटर रहता था ना वहाँ पे, उसके हाँ सर, रूल थोड़े अलग थे। जैसे मान लीजिए नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर हम यूज करते थे बीटेक में, तो वो नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसा है कि लॉग फाइंड करना है, 10 to the power x फाइंड करना है, तो पहले हम वहाँ पे ये बटन को क्लिक करते थे, फिर वो x की वैल्यू अगर 2.34 है उसको क्लिक करते थे तो हमें 10 to the power 2.3 हमें मिलता था वहाँ पे, ऐसा था बटन में। बट ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसा था कि ऑनलाइन में अगर 10 to the power 2.3 करना है तो पहले 2.3 क्लिक करना पड़ेगा, फिर 10 to the power x को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये देगा। तो ये मैं मेरा गेट अच्छा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे था? सर, वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, बट अगर 10 to the power x सपोज है, मतलब जैसे मैक्सिमम ऑपरेशंस ऐसे होते हैं ना सर, कि साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा करके थीटा इक्वल करना होता है, हाँ और बाकी फिर लॉग या कॉस जो भी है उसमें पहले ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद नंबर इनपुट होता है ना सर, हाँ तो वैसे ही था कैलकुलेटर में, ओके। मतलब वो नॉर्मल है जिस तो तरीके लॉग से। वैसे ही था। और अगर हाँ सर, और अगर 10 to the power x निकालना है ना सर, तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं 10 और फिर एक्सपोनेंशियल वाला वो जो अलग से ऑपरेटर रहता है ना, वो लिख के मैं 2.3 लेता था, मैं वो डायरेक्ट बटन नहीं यूज करता था, मैंने वैसे ही किया था। और अगर सपोज लॉग ई वाला है और मुझे लॉग 10 निकालना है, तो वो सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि लॉग इस और मुझे log10 चाहिए, जैसे अगर हाँ तो अब मुझे उसको log 2.303 या जो भी नंबर है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, या बेटर है कि अगर सपोज मुझे निकालना है log10 to the power सॉरी log10 of 53, और फिर तो और मेरे कैलकुलेटर में बस log e है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि log 53 by log 10, तो उसे मुझे आ जाएगा, वो सब जो बेसिक है वो सब पता रहना चाहिए कि कैसे करना है, तो उतना ही है। और साइन में भी हाँ, साइन कॉस तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो रिजल्ट आ ही जाएगा।
इसलिए वो लोग जो कैलकुलेशन देंगे ना वो काफी रैंडम टाइप के होंगे, वो तो जेई में भी देते हैं बट उसमें कैलकुलेटर नहीं होता, बट इन्हें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, वो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो वो लोग काफी रैंडम नंबर्स दे सकते हैं। और जी का वैल्यू ना, जी का वैल्यू मैक्सिमम टाइम तुम लोग कैलकुलेशन करते टाइम जी को 10 लेके करते होगे, मैं भी वही करता हूँ जेई में। तो अब यहाँ जो है यहाँ 10 मत लेना, यहाँ 9.8 लेना क्योंकि यहाँ बेटर है, कैलकुलेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 लेने से एक्यूरेट आंसर रहेगा। मतलब इसमें वो प्लैंक्स कांस्टेंट वो सब भी मतलब अच्छे से लेना पड़ेगा क्या डेसिमल में, मतलब जो है वो नहीं नहीं जितना है वो दो डेसिमल तेज तक रखो, प्लैंक्स कांस्टेंट तो 6.626 अगर तुम्हें याद रहेगा तो अच्छा है, वरना 6.63 से कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके दो ओके डेसिमल तक एक्यूरेट रखो उससे मैक्सिमम आंसर आ जाता है। और वो लोग उतना पास पास का ऑप्शन जनरली नहीं देते, मतलब उन्हें ये देखना है कि स्टूडेंट सोच के सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, वो कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है उनसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब मशीन में ही होता है अल्टीमेटली जाके, वो सब हाथ से तो कोई करता नहीं है ना लास्ट में जो प्रोफेशनली, तो हाँ इसलिए उनका ऑप्शंस उतने पास पास नहीं आते। और कुछ क्वेश्चंस ना एम्बिगुअस होंगे, तो वो क्वेश्चन अब मैं सजेस्ट करूंगा कि छोड़ दो। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, फिजिक्स का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उन्होंने दिया था कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट का नहीं हार्ट नहीं ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर दिया था, और ब्लड प्रेशर दिया था और वो एक और फिर ब्लड प्रेशर देख के उन्होंने मतलब एक पॉइंट पे दिया था ब्लड प्रेशर और हमें फीट के पास निकालना था, तो हमें पी नॉट प्लस रो जी एच वाला फॉर्मूला यूज करना था, बट वो ब्लड प्रेशर उन्होंने हेड के पास दिया था या हार्ट के पास दिया था वो समझ में नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था। तो अब हेड के पास लेंगे तो हाइट कुछ और हो जाएगा, हार्ट के पास लेंगे तो हाइट कुछ और हो जाएगा, तो रो जी एच वाला जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, तो उससे जो दो आंसर आ रहे थे एक 2 आ रहा था एक 3 आ रहा था दोनों थे ऑप्शन में, तो अब वो तो हमें पता नहीं चलेगा ना अल्टीमेटली कि कौन सा दे रहे हैं, तो वहां बैठ कर हमें पता नहीं चलेगा। बाद में मैंने पूछा था राजेश सर से तो वो भी मतलब क्वेश्चन देख के तो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, तो अब वो एच अगर चेंज हो जाएगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो वो उस केस में बेटर है कि क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि अब वो लोग मानते नहीं है कि एम्बिगुअस है तो मार्क्स दे देंगे, वो मानते नहीं है, बट बेटर है कि छोड़ दो, नेगेटिव से तो अच्छा ही है, 0 इज बेटर देन नेगेटिव। और जो और एक मतलब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा कि मास दे देंगे कोलिशन वाला, मेरे साथ मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था 2 मास कोलाइड कर रहे थे, अब अगर इलास्टिक कोलिशन है तो अगर एक छोटा मास आके बड़े मास से टकरा रहा है तो वो छोटा मास पीछे जाता है, बट अगर बड़ा मास आके छोटे मास से टकरा रहा है तो बड़ा मास वैसे ही चलता रहता है, छोटा मास भी उसके साथ चलता रहता है। तो अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कैपिटल एम और स्मॉल एम, अब कैपिटल एम और स्मॉल एम में बड़ा कौन सा है वो उन्होंने दिया नहीं था, वो स्टूडेंट को खुद से ही समझना है कि कैपिटल एम मतलब वो बड़ा होगा, स्मॉल एम में मतलब वो छोटा होगा, तो अब वो भी एम्बिगुअस ही हो गया एक टाइप से, बट उस मतलब वो डिपेंड करता है वो लोग किस सेंस में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अब वो एक्सपीरियंस है मतलब जेई वाले जैसे क्वेश्चन ही होता है ना उसमें पता चल जाता है कि बड़ा है मास है, जैसे वेज और ब्लॉक वाले होते हैं तो वेज वाला बड़ा मास होता है तो उसका मास कैपिटल एम देते हैं, ब्लॉक का छोटा मास होता है उसका स्मॉल एम देते हैं, तो वो सब थोड़ा समझना है, और कुछ बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस लगे तो वो छोड़ देना, वो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बट वो आइडेंटिफाई करना भी तो जेई जैसे ही है ना। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जेई जैसे ही है ना फिर। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई लेवल का ही पूछते हैं, मेंस लेवल का ही मैक्सिमम पूछेंगे वो लोग, मेन प्रॉब्लम वो लोग मैथ्स में ही करते हैं ना, मैथ्स में 10th तक का सिलेबस और कहीं से भी वो पूछ देते हैं, जैसे आरएमओ तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग जो देते हो पीआरएमओ या आरएमओ, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम 10th वाले सिलेबस से ही होते हैं, बट वो 10th वाले सिलेबस में ही वो ऐसा पूछ लेते हैं कि कुछ सॉल्व नहीं हो पाता, 11th वाले मैं तो लास्ट ईयर जाके कुछ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे, तो वो 10th तक का ही सिलेबस होता है, क्योंकि 11th 12th में आके ना मैथ्स का पोर्शन सारे सब्जेक्ट्स का पोर्शन काफी स्पेसिफिक हो जाता है, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो जो रहता है वो 10th के सिलेबस से ही घुमा फिरा कर कहीं से कुछ भी पूछ देंगे, तो वो दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम मैथ्स में ही होगा अगर होगा तो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो एमटी जैसा अच्छे से कर रहे हो तो वहां भी हो जाना चाहिए, अनलेस कुछ पता ही ना हो वो टॉपिक तो अलग बात है, बट अगर पता है तो हो जाना चाहिए मैथ्स में। अब एक क्वेश्चन था मुझे, जैसे ये प्लैंक कांस्टेंट है ऐसे और भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, तो क्या कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होगी कि हमें याद रख के जाने होंगे? नहीं जो कॉमन वाले हैं वो याद ही रखो, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जी का वैल्यू है, जी मतलब कैपिटल जी जो GMM / R², फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो ε0 1/4 ε0 का वैल्यू, और मैग्नेटिज्म में वो सब तो कॉमन होता है, वो काफी प्रॉब्लम्स में यूज होता है, तो वो सब याद रख के जाओ,
और कोई एटॉमिक मास वगैरह होगा कोई अजीब से एलिमेंट्स का, जैसे कोबाल्ट आयरन इन सब का एटॉमिक मास होगा वो लोग दे देंगे, बट जो कॉमन कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सब याद रखे सर, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप ही याद हो जाता है, वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। गॉट इट। एंड प्रांजल कुछ पूछ रहा था शायद। यस प्रांजल। ओके नहीं सर कुछ नहीं। फिर यहाँ पे ओके फिर यस नाउ आल्सो डिटेल्स ऑन लेवल 2 केवीपीआई एग्जाम सेकंड राउंड एंड योर एक्सपीरियंस था मुझे, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ सर, जो अभी इंटरव्यू तो नहीं हो रहा है बट फिर भी अगर स्टूडेंट्स आप जानना चाहो तो तमोजित कैन शेयर। डू यू वांट टू नो यस सर। इंटरव्यू? ओके इंटरव्यू का ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मतलब रिटर्न तो खुद जाके लिखते हैं बाकी एग्जाम्स की तरह, इंटरव्यू तो नया कुछ हो रहा था। तो इंटरव्यू में क्या हुआ, अब इंटरव्यू में जहां तक मुझे लग रहा था वो नाम देख के पता नहीं चला था क्योंकि काफी कैंडिडेट्स थे, इंटरव्यू का सेंटर IISc में ही था, तो वो पूरे कर्नाटका में जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट में फर्स्ट लेवल में वो सब IISc में ही हुआ था उनका इंटरव्यू। तो अब नाम का जो लिस्ट निकला था वो डेट के साथ निकला था, मेरा इंटरव्यू 2 फरवरी को था, सॉरी 2 मार्च को था, अगले दिन ही कर्नाटका में कोविड का केस आ गया था, तो एक दिन पहले जस्ट मैं इंटरव्यू लेके आया था, तो 2 मार्च को था, तो और फर्स्ट लॉट में था, मतलब मॉर्निंग सेशन 9 to 12:30 था मॉर्निंग सेशन, मतलब शेड्यूल टाइम था ये 9 to 12:30। तो अब जो नाम का लिस्ट था ना वो देखकर मुझे जहां तक लगा कि बैंगलोर से बाहर जितने कैंडिडेट्स थे उनका एक स्लॉट में ये एक स्लॉट में हो गया था, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स थे सब बैंगलोर वाले थे, बाकी 2.5 डेज तक जितने कैंडिडेट्स थे सब बैंगलोर वाले थे और ये सब बैंगलोर के बाहर वाले कैंडिडेट्स थे। तो अब उनमें क्या हुआ, मेरा नाम किसी तरह से लास्ट में आ गया वो लिस्ट के, तो बाप रे। अब मैं तो पहुंच गया था, अब वो लास्ट में है वो भी मुझे पता नहीं था क्योंकि वो नाम का लिस्ट जो था वो रैंडमली था, वो अल्फाबेटिकली नहीं था कि मुझे देखकर पता चले लास्ट में होगा, रैंडमली था। तो वहां जाके वहाँ 8 o'clock को पहुंचे, 8:15 तक, फिर वहां जाके पता लगा कि मेरा लास्ट में होने वाला है, तो लास्ट मतलब तो 12:30 भी नहीं, उससे बाद मतलब लेट होता तो पता नहीं कितना होगा। हाँ तो अब बैठे रहो वहां पे 4 घंटे, कितने कितना हुआ पता नहीं, 4-5 घंटे बैठे रहना है। और फिर अब वो लोग क्या कर रहे थे, वो तो हर जगह होता ही है, इंटरव्यू के लिए 2 पैनल थे, एक फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मेरा ग्राउंड फ्लोर वाला पैनल था। तो अब वहां पे अराउंड 8 लोग बैठे थे इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन्होंने पहले फर्स्ट कैंडिडेट का, अब सबका जो टाइम अलॉटेड था वो 20 मिनट्स था, सबका इंटरव्यू के लिए 20 मिनट्स टाइम अलॉटेड था। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट गया उसे उन्होंने क्वेश्चन किया आधे घंटे तक, 20 मिनट्स की जगह वो आधा घंटा हो गया फर्स्ट कैंडिडेट के लिए। ठीक है अब हम क्या करें, हम तो बैठे हैं 5 घंटे तक, और फिर उसके बाद फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग में वो फर्स्ट कैंडिडेट का आधा घंटा लगा, सेकेंड कैंडिडेट का 25 मिनट्स, फिर ऐसे करते करते जब लास्ट के 2-3 कैंडिडेट्स तभी 4 कैंडिडेट्स बचे थे, जब 12:30 हो गया था तभी 4 कैंडिडेट्स बचे थे। अब और उनका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला था 2 o'clock को, मतलब जो आफ्टरनून था, आफ्टरनून वाला 2 o'clock को स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले उन्हें लंच भी करके आना था, तो उसके लिए भी टाइम रखना है। और फिर 4 कैंडिडेट्स बचे थे, फिर अब उन्हें जल्दी पड़ गई, तो उन्होंने हर एक कैंडिडेट को 15-20 मिनट में भगा देने स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं था लास्ट कैंडिडेट, तो अब अंदर गया, वहां जाने के बाद उन्हें अब वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट तुम प्रिपेयर करके आए हो, उससे पहले काफी फॉर्म भरना होता है, टीचर का रिकमेंडेशन फॉर्म और सेल्फ अप्रेजल फॉर्म, मतलब तुमने क्या क्या पढ़ा है, तुम क्यों आना चाहते हो रिसर्च में, वो सब भरना होता है, फॉर्म भरना होता है, वो तो तुम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, तो वो सब मैंने स्किप कर दिया। तो अब मुझे बुलाया, तब 1:15 हो गया था ऑलरेडी, अब 1:15 हो गया था, उन्हें लंच करने के लिए जाना था। और तब फिर तब हाँ, तो उन्होंने पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बेलारी बोला, देख कर लग रहा था उन्होंने बेलारी का नाम भी नहीं सुना। तो उसके बाद तो पूछा कौन सा सब्जेक्ट करके आए हो, तो अब मैं तो सब प्रिपेयर करके आया था क्योंकि तब तक मेरा ऑर्गेनिक अच्छे से हो गया था, तो ऐसा भी नहीं था कि केमिस्ट्री मेरा बचा हुआ है, सब कुछ हो गया था। तो मैंने बोला कि मतलब सारे सब्जेक्ट जो भी आपको पूछा है मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो बोल दिया, कि पहले मैथ्स में अब कहीं से मेरे दिमाग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, तो उसी का पकड़ के उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अब क्वेश्चन पूछा वो XY, अगर मैं 26 अल्फाबेट्स को रैंडम ऑर्डर में लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, अगर मैं 26 अल्फाबेट्स को रैंडम ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे
जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन वाई एंड जेड. तो ये क्वेश्चन था. तो अब मैं करने बैठा तो पहले तो कुछ आ नहीं रहा था, बाद में फिर मैंने कैसे लेके कर दिया. अच्छी बात है. फिर उसके बाद दो मैथ्स वाले जो प्रोफेसर थे ना, उन्हें पसंद नहीं आया मेरा सोल्यूशन. वो पूछ रहे कि ये क्या किया तुमने. फिर बाद में किसी और ने बताया नहीं नहीं सही है, तो वो सेटिस्फाइड हो गए. तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, फिर और एक क्या पूछा और मैथ्स में क्या किया पूछा. तो अब मेरे दिमाग मैं सब कुछ करके गया था, मुझे स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं था कि क्या बोलना, तो मैंने कैलकुलस बोल दिया. तो फिर उन्होंने पूछा कि ज्यादा आसान सही सवाल था कि log x का अगर ग्राफ है तो log x में shortest distance from the point 1,0 से log x के ग्राफ तक का shortest distance निकालना है. तो वो इजी था क्योंकि वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आ जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. और फिर पूछा फिजिक्स में क्या करके आए हो. तो नहीं, और विच सब्जेक्ट का हैव यू डन. तो अब केमिस्ट्री मेरा लास्ट प्रेफरेंस रहता है जनरली, क्योंकि थियरी में कुछ भी पूछ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर नहीं आता तो, और इनऑर्गेनिक पूछ लिया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम. तो इसलिए मैंने फिजिक्स बोला था. तो फिजिक्स में फिर उन्होंने सब्जेक्ट वगैरह कुछ पूछा नहीं, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि अब तुम लोग को वैसे स्विच पता होता है कि एक ही बल्ब के लिए दो स्विच लगे रहते हैं, तो अगर दोनों स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाता है, और किसी एक को ऑन रखेंगे तो बल्ब ऑन रहेगा. वैसा स्विच पता है तुम लोग को? नहीं, अभी तक तो नहीं पता. अच्छा, तो अब उन्होंने पता है स्कूल की लैबोरेटरी में है ना. हाँ, वो हाँ. पता है, वो पढ़ा है. अच्छा, पढ़ा थ्योरी में नहीं पता, देखा हुआ है. हाँ, तो दोनों ऑन रहेंगे तो ऑफ रहेगा, कोई एक ऑन रहेगा तो ऑन रहेगा, और ऑब्वियसली दोनों ऑफ है तो ऑफ ही होगा, वो कुछ कहना नहीं है उसका. तो अब उन्होंने बोला कि इसका सर्किट डायग्राम बनाना है. तो अब मुझे तो कुछ सोच नहीं आता कि सर्किट डायग्राम क्या बनाना है इसका, क्योंकि अब दो स्विच लगाएंगे दोनों ऑन, अब नॉर्मल सर्किट बनाएंगे तो दोनों ऑन रहने से तो ऑन ही रहेगा, वो बल्ब ऑफ तो होगा नहीं. तो अब मैंने पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड सोच लिया. मैंने बोला जॉर गेट लगाएंगे तो जॉर गेट में ट्रू ट्रू का आउटपुट फॉल्स होता है. तो उन्हें वो पसंद नहीं आया, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई सिंपल सा सर्किट बनाओ. तो अब सिंपल सर्किट में बनाने गया, कहीं स्विच इधर उधर लगा रहा था, तो वो एक लेडी थी फिजिक्स वाली, तो वो लेडी मुझे बोल रही थी कि मूव द लेफ्ट पीस ऑफ द सर्किट हियर. तो अब मुझे समझ में नहीं आया वो बोलना क्या चाह रही है, पीस ऑफ सर्किट होता क्या है. तो तब मैंने फिर बोला कि नहीं, मतलब तीन चार बार बोलने के बाद मैंने बोला नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. तो वो लोग फिर बोले कि हाँ नो प्रॉब्लम यू कैन लीव. तो तब मैंने देखा टाइम क्या हो रहा है, 1:33 हो रहा था शायद, मतलब वो 18 मिनट में उन्होंने मुझे वापस भेज दिया. तो मतलब लास्ट में अगर नाम रहेगा अनफॉर्चुनेटली तो टाइम कम मिलेगा, और पहले नाम रहेगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा. बट फाइनली मार्क्स अच्छे ही है, मार्क्स खराब कुछ आए नहीं थे, 89 काफी ठीक ही है. और हाँ, तो इंटरव्यू का यही एक्सपीरियंस था. मेन प्रॉब्लम था कि वहाँ जाके काफी टाइम वेट करना पड़ा था, तो वो तब बहुत गुस्सा आने लगता है कि इतना टाइम वेट कर क्यों कर रहे हैं. बाकी तो अच्छा ही था इंटरव्यू. इंटरव्यू में बायो भी पूछा था क्या? नहीं नहीं, वो मैं बोला ना, वो सब्जेक्ट पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हो, तुम जो सब्जेक्ट बोलोगे जो टॉपिक बोलोगे भाई वो वहीं से पूछेंगे. बट अभी तो इंटरव्यू होगा नहीं ना, तो बट इंटरव्यू नहीं होने से ना एक्चुअली मतलब डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स से ओवरऑल जो मार्क्स थे वो बढ़ जाते थे सबके हर साल. बट इंटरव्यू होगा नहीं तो इस बार मार्क्स थोड़े कम हो जाने के चांसेस है, बट वो सबके साथ ही होना चाहिए वैसे तो. ओके, थैंक यू तमोज जी. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं बता रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये ना हर बार होता है, ये तो आपने पहला इंटरव्यू सुना तमोजीत का, राइट? ये हर बार होता है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, जो पहले वाले होते हैं उनके बहुत लंबे चलते हैं, एंड जैसे जैसे फिर आप लास्ट वाले आने लगते हैं ना, फिर उनके लिए वो जल्दबाजी करने लगते हैं. इवन सारी चीज़ें आपके कॉलेज में वाइवा में भी होगी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड जैसा ये सब पूछा ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहले प्लेस के बारे में बेल्लारी सुन के क्या बोले वो, कि बेल्लारी के बारे में सुना नहीं है लाइक दैट. नहीं नहीं, वो बोला नहीं, बट वो ओके, मतलब बाईपास कर दिया कि हाँ हमें दिलचस्पी नहीं है कहाँ से आए हो. और ये हाँ, अगर इंटरव्यू अगर होता ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सब्जेक्ट पहले से सोच के जाओ क्या बोलना है. जैसे मैं सब्जेक्ट सोच के नहीं गया था, तो मेरे मन में जो टॉपिक आ रहा था मैं बोल रहा था, और वहां से वो लोग कुछ भी पूछ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना. तो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो पहले से सोच के जाना. हाँ, तो ये एक चीज, ये इंटरव्यू में ये दो चीजें कॉमन होती है. पहला, ये जिसका पहला आया उसको ज्यादा मिनट जाएंगी, एंड जिसका लास्ट आया वो बोर हो जाएगा एंड बहुत कम मिनट मिलेंगी. एंड यहाँ पे वो इंटरव्यूअर्स के मूड पे भी डिपेंड करता है.
अगर आगे वालों के साथ वो इंटरव्यूअर का मूड अच्छा है तो आपके लिए फायदा है, अगर इधर किसी के साथ मूड खराब हो गया तो पूरा गुस्सा आप पे निकलता है। दूसरा, ये जो तमोज ने बोला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये हर इंटरव्यू में कॉमन होगा, हर टेक्निकल इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलस बोल रहे हो तो कैलकुलस में वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उस तरीके से। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोला तो वहां से फिर वो प्रोबेबिलिटी को भी लिंक कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिफिकल्ट वाले उठा सकते हैं। जैसे आप ट्रिगो बोल रहे हो तो ट्रिगो से इनवर्स ट्रिगो को वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन बोल रहे हो तो फंक्शन से फंक्शन टू कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो ऐसा एक जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो वो आपको बताना है, जिसका आपने जितना पढ़ा है अभी इलेवंथ में वो एकदम फाड़ू होना चाहिए। क्लियर? मतलब इंटरव्यू जब भी फ्यूचर में आपको और कोई इंटरव्यू दो तब। तो ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वेरी गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मुझे, तो आगे बहुत काम आएगा। तो थैंक यू सर। हाँ, अब ये आई थिंक अभिराम आर्यन के डाउट्स है, इसमें से ये आई थिंक सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। हाउ टू कवर बायोलॉजी सिलेबस कवर हो गया है, स्ट्रेटेजी कवर हो गई है, मेजर टॉपिक्स बायोलॉजी के बता दिए हैं, राइट? कि मेजर टॉपिक्स आपको सभी एग्जाम के जानने हैं तो उसमें तमोज ने सजेस्ट किया 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेक्ट? तो वहां से आपको हाँ सर, अच्छा वो मतलब क्वेश्चन देखे तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कौन से चैप्टर का है, तो जो चैप्टर मैंने बताया उसका अगर अच्छे से कर लेंगे मतलब बिना कंफ्यूजन के तो उससे मैक्सिमम कवर हो जाना चाहिए। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू रिव्यू क्लास 12 सिलेबस। हाँ सर, तो 12th का सिलेबस तो जैसे सर जो टॉपिक्स आएंगे मैक्सिमम केमिस्ट्री में कुछ कुछ बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मेरे एग्जाम में पूछा था कि हाँ दो टू मार्क्स का एक क्वेश्चन था कि पीबीओ को मतलब लेड ऑक्साइड को प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसको Pb3O4 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एजेंट यूज होता है। तो अब मुझे ऑप्शंस याद नहीं है बट उसमें एक था PbO2, नहीं सर बस PbO। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट पीबी का बढ़ रहा है यहाँ पे, तो अब उस मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अब मुझे पता नहीं था इसका क्या होता है क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारा है जो कुछ पता नहीं चलता। तो अब ऑप्शंस में जहां तक मुझे याद है कि दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसमें HNO3 था। तो अब HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो वीक था, और दूसरा HNO3 स्ट्रॉन्ग था। तो अब वो सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए जनरली कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सब आइडिया रहना चाहिए। तो उससे इनऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर पूरा रिएक्शन नहीं भी पता है तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ कुछ रिएक्शंस ना लिंक मिल जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, जैसे अगर नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम लोग, जैसे ऑर्गेनिक में डायजोनियम करके रिएक्शन होता है, तो वो होता है अमाइंस के साथ, मतलब अमाइंस तो पता होगा ना तुम लोगों को, फंक्शन ग्रुप को पढ़ाई होगा 11th में, तो अमाइंस के साथ वो रिएक्शन होता है। तो और एक रिएक्शन है सेम टू सेम रिएक्शन इनऑर्गेनिक में है, तो उसमें अमाइंस की जगह वो लोग अमोनिया यूज करते हैं, तो वहाँ पे वो लिंक करना आना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे पढ़ा है तो वहाँ पे एक एटम रिप्लेस कर रहे हैं या क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वो लिंक करके तो पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन का आइडिया लग जाता है। और बाकी क्लास 12 सिलेबस अभी करने के लिए तो ज्यादा टाइम है नहीं, बट मैंने तो पूरे साल से किया था, अभी ज्यादा टाइम नहीं है करने के लिए, बट अगर फॉर्मूला थोड़ा समझ के याद रख लोगे, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, मतलब अगर हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे जेई मेंस या इन सब के तो तब डिफिकल्ट लगेगा, बट ओवरऑल अगर बस फॉर्मूला याद रखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ क्या हो रहा है, और डेरिवेशंस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशंस वो लोग मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं है, और है भी वो ऑब्जेक्टिव तो डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, वो जो मेनली फॉर्मूला जो फाइनल आ रहा है वो सब याद रखो, और वो अच्छे से याद रखो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, इनसाइड आउटसाइड फीडिंग होता है, काफी कुछ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें जो कॉमन वाले हैं वो ज्यादा क्वेश्चंस में दिख जाएंगे तुम लोगों की कौन से कॉमन बार बार रिपीट हो रहे हैं। या फिर कैपेसिटर का जो चैप्टर है, कैपेसिटर का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इस पे बेस्ड है, जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है वो सब, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो सब उसी पे बेस्ड है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीज का चार्ज। तो इन सब में अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो उससे काफी कुछ खुद से भी डिराइव कर सकते हो, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर वो सब अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो बैठ के वहाँ एग्जाम के पहले जो 45 मिनट्स है वहाँ पे फॉर्मूला लिखने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो वो ठीक
से और जो बेसिक से डिराइव हो सकते हैं वो सब वहाँ पे बैठ के डिराइव करने का ट्राई करो थोड़ा बहुत, अगर 45 मिनट्स में जो टाइम मिला है वो बाद में एग्जाम के टाइम पे यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। और अभी हाँ रिव्यू क्लासिकल सिलेबस था तो अभी हाँ बस फॉर्मूला पे ही फोकस करो, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का छोड़ दो, ऑर्गेनिक अभी नहीं हो पाएगा अभी एक महीने में, मैंने भी नहीं किया था मतलब पढ़ा था बट रिएक्शन याद नहीं हुए थे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला है वो सब पे फोकस करो, तो उससे हो जाना चाहिए 60-70% हो जाने चाहिए क्वेश्चंस। ओके सो तमनजीत ने ये भी बहुत अच्छे से समझाया हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में। Now, books के बारे में जानने की जरूरत है क्या students? Books तो शायद सर वो क्या है ना कि अभी सिर्फ रिव्यू करना है 12th सिलेबस। Okay. अभी सेंगेज पढ़ते बैठेंगे तो वो तो सुसाइड टाइप है। हाँ नहीं उल्टा करना भी, अरे सेंगेज हमारे 12th के जो भी नॉर्मल मेरे जो दोस्त है वो सब तो 12th में है ना, वो लोग भी नहीं करते सेंगेज। हाँ. वो मैं और हर्षा और कभी कभी मनोज पहले करता था, सब लोग नहीं करते सेंगेज, वो सब अभी पहले मत बैठो, तो जो फॉर्मूला है उतना ही रिव्यू करो जितना कर सकते हो। और ऑप्टिक्स तो सबसे आसान है भाई, ऑप्टिक्स में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, वो सबसे पहले कर लो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में बहुत सारे एक टाइप के दिखेंगे, मतलब वो कॉन्स्टेंट्स बस चेंज हो रहे हैं, बाकी जो शेप है फॉर्मूला का वो सेम रह रहा है, वैसे बहुत सारे दिखेंगे, तो वहां से दोनों कंबाइन कर सकते हो। और यूनिट्स याद रखना, यूनिट्स अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, फ्लक्स का यूनिट, वो सब याद रखना क्योंकि उससे क्वेश्चन में काफी हेल्प हो जाता है, जैसे कभी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कभी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का ही वो वैल्यू दे रहे हो, या फिर और एक हो सकता है कि जो चैप्टर में आएगा इंटेंसिटी अलग एक क्वांटिटी होता है तो वो दे रहे हो, तो वो यूनिट्स देख के वो पता चल जाता है। और एक चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स तुम लोगों को पता है मतलब रेट के ऊपर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें तो यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें यूनिट से ही वो रिएक्शन का ऑर्डर और वो सब पता चल रहा है, तो उसके यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देना कि कौन सा यूनिट्स और हाफ लाइफ और वो सब, उसमें बेसिकली बस फॉर्मूला ही है, उसमें कुछ करना होता है नहीं और पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों ही पूरी फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, उसमें से और कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं की रिप्लाई में उससे ज्यादा, तो फॉर्मूला याद रख लो तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी 11th का सिलेबस तो होपफुली तुम लोग को आता ही होगा, अभी सिलेबस खत्म हो गया होगा ना तुम लोग का ऑलमोस्ट आप जो 12th वाले जो भी चैप्टर्स देखना अगर आपके पास टाइम है तो उसमें बस आप उसके फॉर्मूला अच्छे से देख लो एंड फॉर्मूला के साथ वो यूनिट्स देख लो कि चलो हाँ बस ये क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फॉर्मूला ये यूनिट है एंड यहाँ पे ये सब भी आपका कवर हो गया। बुक्स तो सर एक बुक है वो एबिन करता था वो मतलब 11th में वो लाता था बट उसका मुझे याद नहीं है वो मतलब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रहते थे उसमें ऑर्डर में चैप्टर वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे उसमें, वो तो एबिन से आप मैसेज करके पूछ लीजिए मैं पूछ लूंगा कौन सा बुक का नाम मुझे याद नहीं आना। मैं तो सर डायरेक्टली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो वेबसाइट से निकाल के करता था बट वो बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ था तो उससे थोड़ा हेल्प हो सकता है, मतलब एक एक चैप्टर करने के बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ा बेटर रहेगा। गॉट इट। तो अगर स्टूडेंट्स ये बुक की हेल्प चाहिए आपको तो मैं एबिन से पूछ सकता हूं, मैसेज करूं क्या एबिन को एवरीवन? यस सर ठीक है क्लास के बाद मैं कर दूंगा। नाउ नेचर ऑफ एग्जाम एंड ब्रीफ समरी अबाउट एग्जाम सेंटर, तो आई थिंक वो चीजें तो हो गई हैं। And एक question अभी आर्यन ने एक और chat box में पूछा कि तमोजित which KVPI is easier to give in 11th or 12th? अगर देखो seriously अगर IISc में जाना है ना तो 12th का KVPI पूरा फालतू है, कुछ होने वाला है नहीं उससे। एक तो 11th इनका क्यों वो लोग मुझे समझ में नहीं आता बट 11th में IISc के लिए 200 above लोग select करते हैं वो लोग first 200 और मतलब हाँ rank 200 220 250 वैसे रहता है और 12th में जाके वो लोग बस टॉप 3 या टॉप 5 वैसे सिलेक्ट करते हैं, तो वहां देने का कोई मतलब ही नहीं है अगर IISc के लिए देना है तो क्योंकि वो टॉप 3 टॉप 5 तो काफी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है और उतना वो पता ही होना चाहिए कितने में रैंक करना चाहिए, तो वो 12th में देने का कोई मतलब नहीं है। और 12th में क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट आते हैं क्योंकि 11th में क्या होता है चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो वो थोड़ा लेवल कम रखते हैं ताकि मैथ्स और बायो वाले थोड़े कर पाए या ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो इधर उधर हो सकता है तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम रखते हैं। बट 12th में जाके क्या होता है वो आर्यन और शशांक को लोग बोल रहे थे ना उस दिन की उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा था बट
ट्वेल्थ में कोई तीन ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होता है, डेनमार्क वाले में ना कोई तीन ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना होता है, तो ऑब्वियसली तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करोगे, तो वहाँ ट्वेल्थ में क्योंकि तीन सब्जेक्ट ऑप्शन है तो बायो वाले मैथ्स छोड़ सकते हैं, मैथ्स वाले बायो छोड़ सकते हैं, तो वो लोग आराम से सब कुछ पूछ लेते हैं, वो लोग मैथ्स में वो लिमिट्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ से जो मिलेगा सब कुछ पूछ लेंगे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे बायो वालों का कंपल्शन नहीं है कि उनके लिए कुछ कम रखना है, वो सब कुछ है नहीं, तो वो सब कुछ पूछ लेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी वो लोग ज्यादा क्योंकि सिलेबस भी बढ़ जाता है ट्वेल्थ का, वो लोग और फ्रीली पूछ सकते हैं ट्वेल्थ में आके, तो वो लोग पूछ लेते हैं। और सबसे ज्यादा गड़बड़ ये होता है कि केवीपीवाई 3 साल तक होता है, एक इलेवेंथ में होता है, ट्वेल्थ में होता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता है। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर मतलब जिन्होंने बीएससी या वो कोर्स लिया हुआ है, साइंस का कोर्स लिया है, वो कॉलेज फर्स्ट ईयर तक वो दे सकते हैं, तो आईएससी में अगर उन्हें जाना है तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो ट्वेल्थ और ट्वेल्थ का क्वेश्चन पेपर होता है और जो कॉलेज फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है दोनों सेम होते हैं, तो सेम होते हैं तो अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली वो लोग ट्वेल्थ से ज्यादा टफ ही होगा क्योंकि वो कॉलेज फर्स्ट ईयर को भी इंक्लूड करना है, तो अब वहाँ पे एक लेवल टफ हो जाता है, ऊपर से वो मैथ्स में सब पूरे साल के 2 साल के सिलेबस पूछ लेंगे और ऊपर से वो टॉप 5 या टॉप 3 उससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं करते वो लोग, तो ट्वेल्थ में देखते अगर आईआईएससी जाना है तो ट्वेल्थ में देने से कोई फायदा नहीं है, अगर 11th में क्लियर होता है तो ही बेटर। ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही अच्छा समझा था मुझे, वेरी गुड। एंड व्हिच आर द अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट आईआईएससी थ्रू केवीपीवाई, दैट आर्यन इज आस्किंग कि केवीपीवाई से आपको पास आईआईएससी के अलावा और कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ सर, तो आप केवीपीवाई से सर वो रिसर्च वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहीं जा सकते हैं, तो आईजर करके इंस्टीट्यूट होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो आईजर अब आईएससी जैसे एक ही है ना बैंगलोर में, आईजर आई थिंक 5 जगह पे है, और तो वो आईजर में भी स्टूडेंट्स लेते हैं थ्रू केवीपीवाई, वो टॉप 1000 रैंक तक वो आईजर में, टॉप 1000 नहीं 700-800 तक वो आईजर में रहते हैं लेते हैं, और अगर अच्छा आईजर चाहिए मतलब जैसे आईआईटी एनआईटी भी अच्छा एनआईटी रहते हैं, थोड़े मीडियम एनआईटी रहते हैं, वैसे आईजर भी अच्छा एनआईटी मीडियम एनआईटी, वो कौन सा अच्छा है वो मुझे याद नहीं है, मतलब प्लेस वाइज एक पुणे भुवनेश्वर बहुत जगह है अच्छी जगह, वो तुम लोग नेट पर मिल जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो वो अगर अच्छा आईजर चाहिए तो टॉप 400 के अंदर रैंक होना चाहिए तो अच्छा आईजर मिल जाएगा। Okay. और बाकी वैसे तो आईजर अच्छे ही होते हैं, जैसे आईआईटी एनआईटी तो अच्छे रहते हैं। हां, जैसे आईआईटी एनआईटी अच्छे होते हैं, वैसे आईजर का भी नाम है स्टूडेंट, शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो, बट यस आईजर का नाम है। यस सर, सुना है भोपाल में। हाँ यस, इवन प्रांजल की दीदी को भी आईजर में मिल रहा था 12 केवीपीवाई की एग्जाम से, राइट। एंड मैं जब नेवी का इंटरव्यू देने गया था भोपाल, तब मैंने पहली बार सुना था कि हाँ चलो ये आईजर जैसा कुछ है, तब वहाँ पे मेरे साथ जो इंटरव्यू देने आए थे उन्होंने मुझे बताया था। Okay. So I think आपके सारे questions cover हो गए हैं students, और सर मेरा एक छोटा डाउट है। हाँ बिराम, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। हाँ पूछ। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में एस्ट्रोनॉमी कैसे प्रिपेयर किया था भैया? अच्छा, तो उसमें उन्हें एस्ट्रोनॉमी अलग से तो कुछ होता नहीं, उसमें जो अल्टीमेटली जो करना होता है उसमें तो वो सब फिजिक्स और मैथ्स ही होता है, तो फिजिक्स और मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसी से हो जाना चाहिए मेनली, क्योंकि तुम लोग अगर इनिशियल जो फर्स्ट लेवल है ना ओलंपियाड का अगर उसका पूछ रहे हो तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स ही काफी रहता है, और बस वो कॉन्स्टेलेशन और मेन जो स्टार्स होते हैं उन सबके नाम पता होने चाहिए, तो उससे ही हो जाता है, क्योंकि बाद में जो एस्ट्रोनॉमी का जो भी होता है ना वो रिसर्च वगैरह अगर एस्ट्रोनॉमी में कोई करता है तो वो सब मैथ्स और फिजिक्स पे ही बेस्ड होता है पूरा। तो हाँ भैया, मगर ये साल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है वो। हाँ हाँ, मैंने देखा है वो एक नहीं दो करने वाले हैं, तो अब एस्ट्रोनॉमी के लिए तो अब फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ्स भी वो लोग 11th-12th का मिलाकर ही पूछते हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम होता है ना सबका, तो 11th-12th वो मिलाकर ही पूछते हैं, तो केवीपीवाई में वो कवर हो जाना चाहिए उसका सिलेबस, मैथ्स का कवर नहीं होगा वो देखो कितना कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आता ही होगा तुम लोग को बेसिक जितना है, इंटीग्रेशन में बाद में बहुत हंगामा होने वाला है 12th में आने के बाद, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में देखे तो समझ में नहीं आता, बट इनका एक है कि कैलकुलेटर अलाउड है इन लोगों का ओलंपियाड में, तो होपफुली इस साल भी अलाउड होना चाहिए। तो अब कैलकुलेटर का एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 70 + sin 40 + वैसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं,
उसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर जेई में आता है तो हम लोग उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि साइन 70 प्लस साइन 40, फिर उसको फॉर्मूला लगा के कुछ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वैसे करने की कोशिश करता है ना, तो अब कैलकुलेटर रहेगा तो वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम 2 साइन 70 और साइन 40 डाल देंगे, वो प्लस करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो वो सब याद रहना चाहिए क्वेश्चन के करने के टाइम कि वो है हमारे पास एडवांटेज, वो कर सकते हैं। तो और बाकी अगर प्रिपेरेशन, वो मेनली फिजिक्स मैथ्स पूछता है, बट हाँ जो सेकंड लेवल इस बार क्लब किया है ना, उसमें वो लोग काफी ये पूछते हैं, कॉन्स्टेलेशंस आइडेंटिफाई करना होता है, स्टार्स आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो उसके लिए तो कितना ही याद कर पाओगे, वो याद करने वाला टॉपिक नहीं, वो रेगुलरली दिखता है तो उसे पता रहेगा जनरली। और वो लोग क्या करते हैं, वो स्टार मैप दे देंगे मतलब, और उसमें कॉन्स्टेलेशंस आइडेंटिफाई करने होंगे तो, और प्लैनेट्स आइडेंटिफाई नहीं दिखते बट अचानक बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो प्लैनेट्स होंगे, सब आइडेंटिफाई करना होगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। हाँ, तो और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में ना ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेविटेशन और मैकेनिक्स का जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि मेनली उसी पे होता है ना, फिजिकल लॉस इन पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तो वो लोग पूछेंगे नहीं इसमें, और उसी पे मेनली क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि उसमें काफी कैलकुलेशन भी रहते हैं। ओके, तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चले, राइट अभिराम? और कोई अभिराम? और कोई? हां, आईएपीटी समथिंग आप दे रहे थे ना, वो भी आईएपीटी का ही है सर, एस्ट्रोनॉमी। आईएपीटी के सर वो तीन चार सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो उनको नहीं देना होगा सर, और बाकी ये तीन सब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट उसमें ना 11 12 का मिलाकर वो लोग पूछते हैं, तो वहां काफी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे ना, तो और ऐसा है नहीं कि वो 11th के लिए अलग होता है इनका और 12th के लिए अलग होता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है बट एस्ट्रोनॉमी में 11th का और 12th का अलग होता है, तो वहां से सिलेक्शन के चांसेस बेटर होते हैं। 11th 12th का वो लोग अलग होता है एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो नहीं होता। क्वेश्चन पेपर सेम होता है बट सिलेक्शन के टाइम वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11th के फिक्स रखते हैं, 12th के फिक्स रखते हैं, क्वेश्चन पेपर सेम ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन पेपर सेम, बस सिलेक्शन के टाइम पे वो कर देते हैं। हां, सिलेक्शन के टाइम पे वो सॉर्ट कर देते हैं अलग से। गॉट इट। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स, और कोई डाउट? अभिराम, आर्यन, ओवेज, प्रांजल, और कोई डाउट? तो आई थिंक क्लियर सर, क्लियर। तमोजित ने बहुत सारी चीजें समझाई, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत सारी चीजें, एंड बहुत डिटेल में। एक तो ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है किसी सबके लिए। अगर तमोजित मैं आपकी जगह होता तो ये टाइम पे तो मैं किसी से बात नहीं करता, इवन मम्मी पापा भी हो जाए, नहीं अभी कोई बात नहीं, अभी पूरा पढ़ाई पे फोकस। फिर भी इसमें से टाइम निकाल के आपने इन लोग को इतना सब कुछ डिटेल में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपको बताऊँ स्टूडेंट्स कि अभी यहाँ पे सबका नेचर अच्छा है, एंड इतने अच्छे सीनियर्स आपको मिल रहे हैं कि जो आपको गाइड कर रहे हैं। कॉलेज में जाके आपको थोड़ी ट्रिकी दुनिया भी मिलेगी, कुछ सिर्फ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि भाई चलो हाँ ये मुझे पता है, मैं किसी और को क्यों बताऊँ, किसी और को फायदा क्यों हो। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे किसी स्टूडेंट में ये सारी चीज नहीं है, आपको जो भी पता है वो सारी चीजें वो शेयर करते हैं। सो यू शुड ऑल बी थैंकफुल टू तमोजित कि आपको इतने अच्छे सीनियर मिले जिन्होंने क्लियर भी किया। थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। यस, and all the best for your exam, Abhiram, Pranjal, Aryan, बहुत ही अच्छा करो, अपना best दो, जो भी result है, जब भी exam खत्म हो मुझे बताना कैसी जा रही है, even exam से पहले भी हम contact में रहेंगे ही, and exam के बाद भी, क्योंकि हमारा syllabus तो चल ही रहा है, and हम तमोजित को भी बताएंगे, thank you sir, आ रहा है कैसा नहीं, and जैसा आपका result अच्छा जाएगा, अच्छा आएगा, सबसे पहले पार्टी तमोजित भैया को, हाय हाय ना, हाँ भी, yes, so thank you so much तमोजित once again, right, so हम मीटिंग अभी एंड करते हैं। इसके अलावा कभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तमोजित को, फिर जब भी वो फ्री हो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है सर, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू भैया।